और वहीं बॉलीवुड अपकमिंग फ्लिक 16 अपनी इंटरेस्टिंग स्टोरी और प्लॉट को लेकर काफी लाइमलाइट में है. फॉर नाउ यू गाइज एंजॉय द कास्ट ऑफ द फिल्म इन अ वेरी स्पेशल कॉन्वर्सेशन. अगर आप 16 हैं तो आप क्या नहीं कर सकते? आप शायद स्कूल बंक नहीं कर सकते, अपनी क्लासेस बंक नहीं कर सकते, या तो फिर आप ए सर्टिफाइड मूवीज को नहीं देख सकते. लेकिन यहाँ पर स्टूडियो में, न्यूज रूम में मेरे साथ मौजूद हैं 16 की पूरी स्टार कास्ट, जो आपको बताने वाली है कि 16 में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. सबसे पहले बात करेंगे इनसे, अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए और हाउ यू रिलेट टू इट. ओके, मेरे कैरेक्टर का, मेरा नाम वोमिका है और मेरे कैरेक्टर का नाम तनीषा है फिल्म में. और तनीषा इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, वो बहुत मेच्योर है, तो उसको मेच्योर लड़के पसंद है. एंड उसको अपनी इंटेलिजेंट के जो लेवल है उसको मैच करने वाला लड़का पसंद है. तो ऐसा कैरेक्टर है मेरा, दैट्स इट. हाँ, मैं अपने आप को कैसे रिलेट करती हूँ, मुझे भी थोड़े बड़े लोग पसंद है, अपने थोड़े बड़े जो यू नो थोड़ा ज्यादा मेच्योर हूँ. तो दैट्स ऑल. आप से जानना चाहेंगे कि आप 16 है. नहीं, मैं 16 नहीं हूँ, मैं 16 साल का था 4 साल पहले, अब मैं 20 साल का हूँ. एंड मेरा कैरेक्टर अश्विन का है, बहुत इंट्रोवर्ट सा लड़का है, एक लड़की से बहुत प्यार करता है. इसके फादर चाहते हैं कि जो ये एक IAS ऑफिसर बने, पर मैं अगर इससे रिलेट करूँ तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. मेरे फादर बहुत, मेरे पेरेंट्स दोनों के दोनों बहुत सपोर्टिव. और विजय के बाद मूवी में डेब्यू करना, मूवी में आना, हाउ Very cool. Even though I'm not 16, I don't think I am. Am I? No. But at heart, 16. Absolutely. इनके साथ खास करके रहकर हाइफल हैं और हमारी जो बाकी जो हमारे कैरेक्टर्स हैं, हमारे किरदार हैं फिल्म के, ये बहुत टिपिकल 16-year-olds के हैं. और जो मेरा जो किरदार है वो है VK का. वो दिल्ली आता है, अपने रूट्स वापस आता है जहाँ उसकी पैदाइश है, और लंदन से इधर आता है और इंस्पिरेशन के लिए आता है. और फिर उसको इन बच्चों से इंस्पिरेशन मिलता है, इन 16-year-olds से इंस्पिरेशन मिलता है. बच्चा कहना एक्चुअली गलत है क्योंकि बहुत मेच्योर हो चुके होते हैं और उसके सोच में पड़ जाता है कि ये 16 years के तो हैं मगर इनकी जो सोच है बहुत मेच्योर है, और वहां से इंस्पिरेशन ड्रॉ करके 16 years के लेकिन मेच्योर है. आपको लगता है कि 16 इज द एज फॉर इनोसेंस, और डू यू ऑल्सो फील कि जो एल्डर्स हैं वो हिपोक्रेट है या बोरिंग है? नहीं, वो हिपोक्रेट और बोरिंग नहीं है, इट्स जस्ट कि जनरेशन गैप है. एंड 16 इज द एज यू मेक इट और यू ब्रेक इट. सो इट्स लाइक इट्स द मोस्ट एक्साइटिंग एज. तो आपको लगता है कि आपको सब कुछ पता है, जो भी बड़े सोच रहे हैं वो गलत है, हम सही हैं. तो इट्स जस्ट कि इट्स नॉट कि बड़े गलत हैं, बड़े बिल्कुल ठीक हैं, और हमें समझना पड़ता है कि उनको हमें समझना पड़ेगा, हमें उनको समझना पड़ेगा. दैट्स इट. अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए और आप कितना रिलेट करते हैं रियल लाइफ में, और सबसे पहले आप 16 हैं? मैं रियल 16 हूँ, एकदम एप्ट कैरेक्टर फॉर दिस. ध्यान से कैप्चर करना पड़ेगा क्योंकि ये एक्चुअली और ओनली 16 यही है. यस, सो आई प्ले दिस कैरेक्टर, उसका नाम निधि है. एकदम टिपिकल 16-year-old, फेरी टेल में बिलीव करती है, परफेक्ट लव, परफेक्ट फैमिली, एवरीथिंग इज परफेक्ट फॉर हर. बट सडनली लाइफ में जब 16 years के होते हो तो पीयर प्रेशर एंड ऑल दैट प्रॉब्लम्स, तो शी गोज थ्रू ऑल दिस एंड दैट्स हाउ इट गोज ऑन हर स्टोरी. वी आर नॉट 16, तो आपको इनके साथ काम करके ऐसा फील हुआ था कि वर्किंग विद एग्जैक्ट 16? जब शुरुआत हुई हमारे पिक्चर की, मेरे ट्रैक की खास करके, जब मैं आया पहले जो दिन, दो दिन थे हमारे दिल्ली में, मेरे को लगा यार मैं बच्चों के साथ लगा हूँ, यू नो. फिर मेरे को लगा कि नहीं यार, ये तो अपने ये से काफी ज्यादा समझदार है, तो हम लोग इतना क्रेडिट देते नहीं इनको, लेकिन विजडम बहुत है इनमें. और तनीषा का जो किरदार है फिल्म में, अगर आप उसको समझेंगे तो उसमें भी आपको लगेगा कि जो 16 साल की जो इमेज रहती है हमारे जहन में वो ऐसा नहीं है, वो अपने उम्र से कहीं ज्यादा यर्स आगे है. फिल्म की म्यूजिक की अगर बात की जाए तो फिल्म का जो म्यूजिक है, जो यूथ बेस्ड फिल्म है एग्जैक्टली, तो कोई आपका फेवरेट गाना जो सबका फेवरेट हो ऑल टुगेदर? 16 बरस की इज आवर फेवरेट ट्रैक एंड यू नो 16 बरस की बाली उम्र होती है, पर आपको बताएंगे कि हमारी उम्र साली पहले बता दिया तूने यार. हम आपको बताएंगे हमारे अब हमारे जो 16 में 16 बरस की कौन सी उम्र है. Let's sing it. Okay. Keep coming. Yeah. 1, 2, 3, 4. Sola baras ki sali umar ko sala.